कंझावला हादसे से जुड़े और सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। इसमें एक में दिख रहा है कि जिस रास्ते से आरोपियों की कार जा रही है उसके पीछे पुलिस वैन भी दिख रही है। वहीं दूसरे फुटेज में मृतका अंजलि के साथ स्कूटी पर दिखी निधि घटना के कुछ समय बाद अकेली घर जाते दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस गुरुवार सुबह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में और खुलासा कर सकती है। देर रात पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। इस केस से जुड़े अब तक 6 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब आरोपियों की बैक रूट मैपिंग की जाएगी। इससे ये जानने की कोशिश होगी कि उस रात क्या हुआ होगा और आरोपियों ने क्या किया होगा। पुलिस पांचों आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। इसके लिए कोर्ट से अनुमति मांगेगी। मृतका अंजलि की मां ने बुधवार देर रात कहा कि निधि भी बेटी अंजलि की हत्या में शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि निधि को मैं नहीं जानती हूँ, मैंने उसे कभी नहीं देखा। अंजलि ड्रिंक नहीं करती थी, वो नशे की हालत में कभी घर नहीं आई। फैमिली डॉक्टर भूपेश ने भी अंजलि के नशे में होने के दावे को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि मृतका के पेट में अल्कोहल नहीं था। फिलहाल पांचों आरोपी मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष और मिथुन 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के दौरान दीपक खन्ना कार ड्राइव कर रहा था। इसमें मनोज मित्तल बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। उधर कंझावला में 20 साल की अंजलि को कार से घसीटकर मारने के आरोपियों के घर ताले लटके हैं। पड़ोसियों से बात करने पर पता चला है कि चारों आरोपियों का झगड़े या शराब पीकर हंगामा करने का रिकॉर्ड नहीं है। बस मनोज मित्तल के बारे में एक पड़ोसी ने बताया कि वो सट्टे का काम करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।